31 अगस्त साल 1888 को कनाईलाल दत्त का जन्म स्वतंत्रता पूर्व बंगाल प्रांत में हुगली जिले के चंदन नगर में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। युगांतर नाम से क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से कन्हैयालाल क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट पर आक्रमण किया। इस घटना के बाद मई 1908 को कन्हैयालाल दत्त, अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार समेत अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के दौरान उन्होंने जेल के अंदर एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत कन्हैयालाल दत्त पर इस हत्या का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। नवंबर साल 1908 में कन्हैयालाल दत्त को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। 31 अगस्त साल 1962 को त्रिनिदाद और टोबैगो ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हुआ। यह देश कैरिबियाई सागर में स्थित द्वीपों से बना एक देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यह देश दो मुख्य द्वीपों त्रिनिदाद और टोबैगो से मिलकर बना है। ब्रिटेन से पहले यह देश स्पेनिश साम्राज्य के अधीन था। साल 1976 में यह गणराज्य बना। साल 1802 में इसे स्पेन ने एमेंज की संधि के तहत ब्रिटेन को सौंपा था। 31 अगस्त साल 1991 को किर्गिस्तान सोवियत संघ से आजाद हुआ। किर्गिस्तान ने रिपब्लिक ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंस ऑफ किर्गिस्तान कानून बनाया, जिसके बाद किर्गिज को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन इसके पड़ोसी देश हैं।